जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा। हो सकता है कि वोडाफोन आईडिया और बीएसएनएल कंपनी को मर्ज कर दिया जाए। देखिए, बीएसएनएल कंपनी हर क्वार्टर के अंदर, हर महीने के अंदर मिलियंस और मिलियंस सब्सक्राइबर्स यहाँ पर खो रहा है। रिसेंटली ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि भारत के अंदर जो टेलीकॉम कंपनीज है वो कितना सब्सक्राइबर अपने से जुड़ा है, कितना सब्सक्राइबर अपने से खोया है। जो रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी डिटेल्स आपको बता दिया कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ बताया हुआ है, लेकिन बीएसएनएल को जो एम्प्लॉइज यूनियन है वो काफी ज्यादा डर चुका है कि क्या बीएसएनएल भारत के अंदर सच में सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं सिर्फ मार्च महीने की बात करता हूं ना, तो बीएसएनएल अपने से 2.2 मिलियन यानी 22 लाख ग्राहक अपने से खो चुका है। बीएसएनएल का जो टोटल सब्सक्राइबर बेस अभी के टाइम के अंदर हो चुका है 8.8 मिलियन यानी 88 लाख। जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर हो चुका है। तो बीएसएनएल कंपनी को किसी भी तरीके से रिवाइवल की ज़रूरत है। हालांकि बीएसएनएल इंडिजिनियस वे से अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है, लेकिन बीएसएनएल के एम्प्लॉयज यूनियन और वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑलरेडी बीएसएनएल का 4G सर्विस भारत के अंदर आ जाना चाहिए था। रिसेंट एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल ऑलरेडी 8 लाख अपने 4G ग्राहकों को जोड़ लिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के कुछ जगह के अंदर बीएसएनएल ऑलरेडी अपने 4G टावर को बैठा चुका है। तो इसके बाद भी बीएसएनएल कंपनी के जो सब्सक्राइबर लॉसिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे डर रहा है बीएसएनएल के एम्प्लॉयज यूनियन। तो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से बीएसएनएल के चेयरमैन पीके पवार, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उनको ये लेटर लिखकर बताया गया है बीएसएनएल के साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी को मर्ज कर दिया जाए, ताकि टेम्पोरारी बेसिस पर बीएसएनएल अपने 4G सर्विस को लॉन्च करे मेरे वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क को यूज करके। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट अभी हमारे पास निकल के आए हैं, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बीएसएनएल कंपनी की बात करता हूँ, तो अभी 2024 साल चल रहा है, अभी भी बीएसएनएल मैक्सिमम जगह के अंदर अपने सर्विसेज को 2G और 3G के अंदर प्रोवाइड करे। तो ऐसे किस तरीके से चलेंगे बीएसएनएल कंपनी को, अगर भारत के मार्केट के ऊपर सस्टेन करना है तो डेफिनेटली उन्हें कुछ सोचना होगा कि भाई वो भारत के अंदर अपने मतलब मिनिमम 4G सर्विसेज को लॉन्च करें, जिसके लिए 2020 साल के अंदर टेंडर बुलाया गया था, उसके बाद कैंसिल किया गया और बाद में इंडिजिनियस वे से बीएसएनएल को अपने 4G सर्विस को लॉन्च करने के लिए बोला गया। जो ऑब्वियस बात है, डेफिनेटली अच्छी बात है कि बीएसएनएल भारत के अंदर इंडिजिनियस वे से अपने सर्विसेज को लॉन्च करेंगे, लेकिन उसके चलते बीएसएनएल का जो 4G लॉन्च है वो काफ़ी ज़्यादा डिले यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि बीएसएनएल का 4G लॉन्च जब तक ना होते हैं, कस्टमर बीएसएनएल से रुके नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन से एक ऑप्शन से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, जिस कारण से वो अगर बीएसएनएल के ग्राहक है भी, उनके अगर सर्विस खराब मिलते हैं वो किसी दूसरे कंपनी के ऊपर शिफ्ट कराए, जिस कारण से सिर्फ मार्च महीने के अंदर बीएसएनएल का जो लॉसिंग का अमाउंट हुआ है वो है 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 22 लाख सब्सक्राइबर्स, जो बिल्कुल भी कम नहीं होते। जहाँ पर 88 लाख के अंदर 22 लाख सब्सक्राइबर बीएसएनएल का चला गया, तो ऐसे किस तरीके से चलेंगे। और वोडाफोन आइडिया कंपनी भी 6 लाख से भी ज़्यादा ग्राहक यहाँ पर खो चुका है। तो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से यहाँ पर कहा गया कि भाई इमीडिएट बेसिस बीएसएनएल कंपनी वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो 4G नेटवर्क है उसे यूज़ करे, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट का 33% स्टेक वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर है, तो एक मेजोरिटी स्टेक होल्डर है। तो मेजोरिटी स्टेक होल्डर होने के बावजूद बीएसएनएल कंपनी अगर चाहे वोडाफोन आइडिया को ये रिक्वेस्ट करे कि कुछ जगह के अंदर बीएसएनएल अपने 4G सर्विस को लॉन्च करे नेटवर्क शेयरिंग की मदद से, मेरे वोडाफोन आइडिया के जो 4G नेटवर्क है उस नेटवर्क को बीएसएनएल यहाँ पर यूज़। देखिए, ये प्रैक्टिकली होना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है। रिसेंटली वोडाफोन आइडिया कंपनी मार्केट से काफी ज्यादा पैसे यहां पर उठा है, तो इसके बाद बीएसएनएल के सर्विसेज को वोडाफोन आइडिया कंटिन्यू करे ये पॉसिबल ऑलमोस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन कितना डेस्परेट यहाँ पर हो चुका है अपने कंपनी को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है 2019 साल से पहले बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज हैं उनका कंडीशन क्या था। सरकार मेनली उन्हें सैलरी तक के देने के पैसे नहीं थे। अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करते, गवर्नमेंट अगर रिवाइवल पैकेज नहीं देते, तो डेफिनेटली ये कंपनी मार्केट के अंदर सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। जो चीज़ को समझा है और समझने के बाद मेनली बीएसएनएल के एम्प्लॉयज यूनियन वो पर्टिकुलर परिस्थिति वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होने देना चाहते, जिस कारण से मेनली बीएसएनएल कंपनी की तरफ से यहां पर बताया गया कि वो जितना जल्दी हो सके भाई अपने 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च करे, वरना वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो 4G सर्विस है टेम्पोररी बेसिस वो मेनली बीएसएनएल अपने 4G सर्विस को यहां पर अवेलेबल करवा दे। और इसे लेटर लिखकर यहां पर बताया गया प्राइम मिनिस्टर, उसी के साथ टेलीकॉम मिनिस्टर प्लस बीएसएनएल के जो अथॉरिटी, बीएसएनएल के जो CMD है पीके पावर, उनको। अभी देखते हैं TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तेजस नेटवर्क, ये कब तक बीएसएनएल कंपनी के ऊपर अपने 4G सर्विस को लॉन्च करवा दे,
क्योंकि BSNL एम्प्लॉयज यूनियन का ये कहना है कि इससे पहले BSNL कंपनी जो वो कोशिश कर रहा था कि वो मिले अपने 4G सर्विस को लॉन्च करे, जिस कारण से पिछले साल के जून जुलाई महीने से अपना ट्रायल्स चालू किया था जो अक्टूबर महीने के अंदर हो जाना चाहिए था, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत मेजर प्रॉब्लम हो चुका है BSNL 4G कोड के ऊपर जो मेनली C. यहाँ पर बना रहा था, तो उस कोड को सॉल्व किया जाए तो BSNL 4G लॉन्च होते होते 2024 का आखिर तक चले जाएंगे। तो किस तरीके से हो पाएंगे, किस तरीके से इतने दिनों तक BSNL यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे, वो सोचने वाली बात है, जिसका डर जो है वो BSNL के एम्प्लॉयज यूनियन को सता रहा है, जिस कारण से ऐसा स्टेप जो यहाँ पर लिया गया। आपको क्या लगता है, क्या सच में BSNL वोडाफोन के साथ मार्च हो सकते हैं? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके बता सकते हैं। यही सर अपडेट्स हमारे पास निकल कर आता था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।